दोस्तों जय भीम नमोबुद्ध। आज मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर संविधान बचाने के लिए बहुत सारे संगठन यहाँ पर जुड़े हुए हैं और जमावड़ा लगा हुआ है संगठनों का कि संविधान को बचाना है। मेरे साथ है मेधा पाटकर जी। मैं जानना चाहूँगा मैम कि आज का ये जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन का क्या उद्देश्य है और संविधान बचाओ का क्या मतलब है? देखिए, संविधान बचाना यानी जीने का अधिकार बचाना, उससे कम कोई बात नहीं। और बाबा साहब ने वो दिया है, वो दलितों को, आदिवासियों को, किसान मजदूरों को, सबको भी रहे। हिंदू महिलाओं का वारसदारी का हक भी बाबा साहब के कारण दिया गया है। ये जो जानते हैं वो समझते हैं कि संविधान केवल दलितों का मुद्दा नहीं है, यहाँ के हर नागरिक का मुद्दा है। और संविधान के समता और न्याय के चौखट को आज कुचला जा रहा है, जो गैर बराबरी बीभत्स रूप लेके खड़ी है, उसी के कारण 80% 90% लोग अपनी आजीविका खो रहे हैं। क्योंकि कॉरपोरेट्स के पक्ष में नदियों को मोड़ना, पानी को मोड़ना, जमीन को मोड़ना, खनिज को मोड़ना, कैसे जिएंगे लोग? जो प्रकृति पर जीने वाले समुदाय है, उन सबको हम किसान कहकर कर्ज माफी और उपज का दाम भी मांग रहे हैं, चाहे वो मछुआरे हो, चाहे वो छोटे कारीगर मेहनत कश भी हो। लेकिन बराबर उल्टी दिशा में नीतियाँ और कानून बन रहे हैं, और जो कानून इतने सालों के, 7 दशकों में जन संघर्षों से आए, उन कानूनों के जो कोर की बात है, जैसे ग्राम सभा का अधिकार वन अधिकार में है, या भूमि अधिग्रहण में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात आई, इन तमाम कानूनों के ड्राफ्टिंग में हम लोग हिस्सा लेते थे, हमारे साथ संवाद होता था सरकार से। लेकिन ये संवाद करती नहीं सरकार, और संवाद ही नहीं, संवेदना हिंदी है। इसलिए दो चुनावों के बीच में हम खड़े हैं आज। अगर दूसरी सरकार आएगी कोई भी कहीं भी, तो भी उनके सामने हमारा संकल्प पत्र आज हम घोषित कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने तमाम बातें लिखी हैं। जाति मजहब के नाम पर हिंसा नहीं चलेगी, और हिंसा वो भी है जो जीने के आधार छीन लेती है। तो संविधान को आधार रखकर जन आंदोलनों को एक ताकत मिलती है। और मैं कह सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कोई गैर कानूनी काम नहीं है। भले गरीब बस्तियों को बंबई के बसाने का काम वहीं के वहीं हम करते हैं, हमने 75,000 घर तोड़े थे तो वहीं के वहीं घर बांधना चालू किया। हम लोग आज भी ये मानते हैं कि स्लम्स के नीचे की ज़मीन भी स्लम ड्वेलर्स को मिलनी चाहिए, जंगल की ज़मीन आदिवासी को मिलनी चाहिए। तो ये तमाम बातों का आधार बनता है संविधान, जिसमें भी सुधार होता है, संशोधन हुए हैं जो हम मानते हैं, पर संशोधन हुआ बैंडों में, 243वीं धारा आ गई, पर ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिला विकास नियोजन का। तो ये जो बातें हैं वो एक एक जन जन अगर समझे तो ही संविधान बचेगा, नहीं तो जलाया जाएगा, गाड़ा जाएगा, कुचला जाएगा। ये तो बात खुद डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। आपने अभी एक बात कही कि सभी लोगों के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, पर जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो लोग, वो महिलाएं नहीं मानती कि हमें जो अधिकार मिले वो संविधान के थ्रू मिले हमें। कास्ट की बात ही नहीं है संविधान में, तो कास्ट एनिहिलेशन की, जाति निर्मूलन की बात। आरक्षण भी उस दिशा में नहीं बढ़ेगा तो संरक्षण नहीं दे सकेगा जीने का। तो महिलाओं के हमारे यहाँ कितने सारे विविध जाति पाति में भले सरकार या प्रशासन उनको बांट डाले, वो यहाँ आती है तो एक हो जाती है, वो अकेली नहीं, एकत्रित बैठकर खाना खाती है। कौन खाना पका रहा है और कौन खिला रहा है ये पूछती नहीं है। ये हमारी इंसानियत की ताकत महिलाओं की जीवटता के साथ जोड़कर जब देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये महिला शक्ति ही परिवर्तन की मुख्य धारा और मुख्य स्तंभ हो सकता है। जी, महिला की अगर बात कर रहे हैं तो जो रोजगार में बात आई, वो 10 रुपये तक की भी बात आई कि अगर हम रोजगार मंत्रिका के उसमें ले रहे हैं तो 10 रुपये की एन एवरेज बैठता है साल का, और 10 रुपये की आज हम चाय भी नहीं पी पाते। तो मनरेगा में न्यूनतम वेतन हमारी मांग है। मनरेगा पर पैसा तो कम करते रहे पर नहीं कर पाए ज़्यादा, नई सरकार भी, क्योंकि संगठन है जगह जगह। अभी यहाँ वाराणसी के हमारे मनरेगा के मजदूरों का संगठन आया है। ये संविधान सम्मान यात्रा जो 26 राज्यों से 65 दिन घूम कर यहाँ आई है, उसकी किताब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हर जगह चलने वाले संघर्ष केवल स्थानिक मुद्दों पर नहीं है, एक व्यापक मुद्दों का परिप्रेक्ष्य उसको है, जिसमें मनरेगा का है, आरटीआई का है, वन अधिकार का है, पेशा कानून का है, और वो अलग अलग लोग संघर्ष के द्वारा अमल में लाने के लिए
लालायित है, तैयार हैं, लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, एकत्रित ऐसा आना आज के दिन पर बहुत महत्वपूर्ण बात है अगर संविधान देश एकता समता न्याय बचाना है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आज का जो आंदोलन है वो वर्तमान सरकार के लिए है या आने वाली सरकार के लिए है या दोनों के लिए है? हम तो चुनावी राजनीति को नहीं चुनौतियों को मानते हैं ज़्यादा, और चुनावी राजनीति में हम हस्तक्षेप करते हैं। जो सरकार जातिवादी सांप्रदायिक है उनको हम नकारते हैं, पर हर सरकार से हम तो बातचीत करते ही हैं क्योंकि जनतंत्र जो भी बचा है चुनाव से उसको हम नकारते नहीं हैं। लेकिन जनतंत्र में आज फंडिंग, लैपटॉप, मंगलसूत्र, 20,000 इसका जो हावी होना हो गया है उसके तहत वोट बैंक जाति अस्मिता के आरक्षण के धर्म के मुद्दों पर बनाने वाली राजनीति एक इवेंट मैनेजमेंट हो गई है। हम उस राजनीति में सीधे नहीं हैं। हमारे कुछ साथी अपने अपनी जगह पर दलीय राजनीति में भी उतरते हैं। हमारे लोग लोकल कई पंचायतें नर्मदा घाटी में जीतते हैं, लेकिन जो आंदोलन है वो दलीय राजनीति के पार जन आंदोलनों की राजनीति में है। तो हमारा जो संकल्प है, हमारे जो मुद्दे हैं, वो सभी मुद्दे हम समाज के सामने भी रखते हैं, केवल सरकार के सामने नहीं। पर जो सरकार आती है उससे हमारा आग्रह रहता है कि जन आंदोलनों से बातचीत करो और उन मुद्दों को आपके राजनीति के एजेंडा पर लाइए। दोस्तों मेघा पाटकर जी ने ये क्लियर किया है कि आज का जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन पे गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनती है, वर्तमान गवर्नमेंट जो है उसको बात करनी चाहिए और इन जन आंदोलनों को और ज़्यादा उग्र रूप ना ले, इसके लिए इनको संभालना चाहिए, उनकी मांगों को जानना भी चाहिए। लैपटॉप, मंगलसूत्र या बैग या साइकिल या कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल तो रोज़गार की ज़रूरत है। अगर रोज़गार हमारे पास होगा तो शायद लैपटॉप, मंगलसूत्र, बैग और इत्यादि जो गवर्नमेंट जो बांटती फिरती है उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलिंद्र गौतम, जंतर मंतर से, जय भीम, नमो बुद्धाय।